नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने बदली रणनीति, अखिलेश यादव फिर हुए एक्टिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज स्टोरी। सपा ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 20 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई। इस बार का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच बताया जा रहा है। सपा ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये बता दें आपको कि क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति। इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत के लिए काफी आश्वस्त थी। इसके लिए पार्टी ने जातीय समीकरण मजबूत किया था। दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स को साथ लाने के लिए कई तरह का प्रयोग भी किए गए थे। हालांकि इसके बाद वह ज्यादा सफल नहीं हो पाई। चुनाव के बाद जरूर मुस्लिम वोटर की सपा ने नाराजगी की खबरें आने लगी। बसपा और इससे अच्छा मौका दिखा और मायावती ने तुरंत मुस्लिम वोटर्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने फिर से एक प्रयोग किया। इस बार वे काफी हद तक सफल भी हुए। तो वहीं कैसे सपा नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है, वहीं बता दें आपको दलित वोटर्स पर भी फोकस। विधानसभा चुनाव के दौरान भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद में टिकट को लेकर अखिलेश यादव का विवाद हो गया। इसके चलते चुनाव से पहले ही चंद्रशेखर और सपा का गठबंधन टूट गया था। अब तक एक बार फिर से अखिलेश ने चंद्रशेखर को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा। दलित वोटर्स और खास तौर पर युवकों के बीच चंद्रशेखर का इलेक्ट्रेट से खतौली और मैनपुरी में आजाद ने सपा के लिए प्रचार किया और उसका फायदा भी मिला। दोनों सीटों पर सपा की जीत हुई। हालांकि रामपुर में जरूर खेल बिगड़ गया। अब आजाद के जरिए एक बार फिर अखिलेश दलित वोटर्स को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। नगर निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नाराज मुस्लिम वोटर्स को मनाने की कोशिश। आलम खान से जेल पर ना मिलने पर मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव से काफी नाराज हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी थी। कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे। अब अखिलेश उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे। यही कारण कि वे आजम खान को कहीं भी पीछे नहीं छोड़, हर मामले में वे आजम खान को साथ लेकर चलते हैं। सपा के दूसरे गद्दावर मुस्लिम नेता और कानपुर से विधायक इरफान सोलह मिलने के लिए जेल में जा रहे हैं। इरफान काफी मामलों में फंसे हैं और पिछले 10 दिन से जेल में बंद है। युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश। बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भी सपा मुखिया ने बनाया है। इसके अनुसार सपा के नेता और कार्यकर्ता युवाओं से जुड़े हर मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा और संसद उठाएंगे। बेरोजगारी, फीस बढ़ोतरी समेत तमाम मुद्दों पर युवाओं को अपने साथ लाकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश मुंह कर दी है। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। नमस्कार।